नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबख्श जाट, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम ईपीजी पाठशाला हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र के अंतर्गत द्वेदी युग विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में द्वेदी युग के महत्व को समझ सकेंगे। द्वेदी युग में खड़ी बोली हिंदी के विकास के स्वरूप से परिचित हो सकेंगे। खड़ी बोली के परिमार्जन और परिष्कार में महावीर प्रसाद द्वेदी के योगदान का मूल्यांकन कर सकेंगे। द्वेदी युग में खड़ी बोली में रचित कविता की विकास यात्रा और उसके स्वरूप से परिचित हो सकेंगे। द्वेदी युग में कहानी के उद्भव और विकास की पद्धति जान सकेंगे और द्वेदी युग में गद्य की अन्य विधाओं, निबंध, नाटक, उपन्यास, आलोचना आदि के स्वरूप और उत्कर्ष की जानकारी ले सकेंगे। साहित्य या इतिहास में किसी कालखंड को व्यक्ति विशेष के नाम से अभिहित करना, उस व्यक्ति के महत्व और उसकी देन को रेखांकित करना, बहुत कम अवसरों पर ये किसी रचनाकार को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। हिंदी साहित्य को रूढ़ियों से, स्वच्छंदता, जड़ता से प्रगति, सांगारिकता से राष्ट्रीयता की तरफ उन्मुख करने में 20वीं शताब्दी का जो प्रथम दो दशक है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस कालखंड के पथ प्रदर्शक, विचारक, संपादक, साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्वेदी के नाम पर इस कालखंड का नाम द्वेदी युग रखा गया है। और बहुत सारे विवाद हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के होते हैं, लेकिन इस समय को द्वेदी युग के नाम से रखने का कोई विरोध नहीं होता। भारतेंदु के बाद जैसा 15 वर्ष का जो समय है 1885 से 1900 तक, ये खड़ी बोली हिंदी के लिए संघर्ष का समय था। हिंदी साहित्य में इस समय ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली का संघर्ष अपने चरम पर था। ब्रज भाषा के समर्थकों का मानना था कि खड़ी बोली काव्य के लिए उपयुक्त है ही नहीं, परंतु खड़ी बोली के समर्थक वो कहते थे, खड़ी बोली के व्यवहार और संस्कार करते रहो, हो सकता हो जाए। ऐसा मानने वालों की संख्या ज्यादा थी कि साहित्य में गद्य और पद्य की दो अलग अलग भाषाएं नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोगों का कहना है तो क्या हुआ, अगर आपको कविता ब्रज भाषा में लिखनी है, वो भी हिंदी है ना, तो आप उसके अंदर लिखिए, और अगर आपको गद्य खड़ी बोली में लिखना है तो खड़ी बोली में लिख दो, दोनों में लिख दो। लेकिन ये दोनों में अलग अलग भाषाओं में साहित्य की भाषा का माध्यम बनाना, ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। ज्ञातव्य है कि भारतेंदु युग में जो है गद्य की भाषा मान्य थी खड़ी बोली और पद्य ब्रज भाषा। धीरे धीरे विचार विकसित होने लगा कि दोनों की भाषा एक होनी चाहिए। चूंकि खड़ी बोली का क्षेत्र व्यापक था, इसलिए खड़ी बोली को पद्य का भी माध्यम बनाने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। खड़ी बोली और हिंदी साहित्य के सौभाग्य से सन 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्वेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला और वे सन 1920 तक श्रम और लगन के साथ इसका संपादन करते रहे। सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है वो तो 19 में हो गया था, शुरू हो गई थी पत्रिका, लेकिन उस समय एक संपादक मंडल था, जो संपादक मंडल उस पत्रिका का संपादन करता था और नागरी प्रचारणी सभा के उसे वो छपती थी। लेकिन बाद में विचार करके और सबने ये तय किया कि महावीर प्रसाद द्वेदी को इस सरस्वती के संपादन का दायित्व सौंपा जाए और ये द्वेदी जी इसके संपादक रहे। सरस्वती के संपादक के रूप में द्वेदी जी ने खड़ी बोली के उत्थान के लिए जो प्रयास किया वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के फलस्वरूप कवियों और लेखकों की एक पीढ़ी का निर्माण हुआ। वे स्वयं भी कवि थे, बहुत अच्छे कवि भले ना हो, निबंधकार अच्छे थे, आलोचक बहुत अच्छे थे, अनुवादक और भी अच्छे थे और संपादक तो थे ही। उनके लिखे हुए मौलिक और अनुदित गद्य पद्य ग्रंथों की जो संख्या है वो लगभग 80 के करीब है। खड़ी बोली को परिष्कृत कर उसके स्वरूप को स्थिरता प्रदान करने वालों में द्वेदी जी अग्रगण्य। रीतिकालीन श्रृंगारिक परंपरा और प्रवृत्तियों से हटकर नई अभिव्यंजना और अभिव्यक्ति की शुरुआत द्वेदी जी के समय में हुई। अपने समकालीन रचनाकारों को खड़ी बोली में रचना के लिए वे निरंतर प्रोत्साहित करते रहे। वो कहे, कोशिश तो करो। भाषा प्रयोग के क्षेत्र में जो अराजकता थी या जो स्वच्छंदता थी, लोग जो मन मर्जी वैसी भाषा लिखते थे, द्वेदी जी ने उस पर अंकुश लगाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कार्य की महत्ता को स्पष्ट करते हुए प्रतिपादित किया, उनके शब्दों में, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्वेदी जी ही थे। सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया।
यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक भी थे जो अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे। अब ये होता है कि जब भी बताया साहब मैं तो कोई गलती करता ही नहीं, गलती तो दूसरे करते हैं और मैंने जो लिखा वो सही है, तो वो सुधरना नहीं चाहते। लेकिन शुक्ल जी के अनुसार गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण तब तक बना रहेगा जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी। जिस भाषा में लिखो उसी भाषा का व्याकरण तो आपको आना ही चाहिए। तो सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी ने अपने विचारों और सिद्धांतों को हिंदी समाज के समक्ष बड़ी योग्यता और दृढ़ता के साथ प्रस्तुत किया। वस्तुतः द्विवेदी युग के प्रारंभ में खड़ी बोली अनगढ़, शुष्क और अस्थिर रूप में थी। अनवरत प्रयास के फलस्वरूप धीरे धीरे खड़ी बोली का स्वरूप स्थिर, निश्चित, सुगढ़ और मधुर बना। आज जो हम ये भाषा देखते हैं ये माहौर प्रसाद द्विवेदी से पहले नहीं थी। गद्य और पद्य की भाषा का एकीकरण इन्होंने किया। खड़ी बोली गद्य और पद्य दोनों में स्थापित हुई। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा की गई ये टिप्पणी बहुत सटीक है कि असल में द्विवेदी युग का इतिहास खड़ी बोली के तुतलाने से लेकर उसके स्फीत वाग्धारा तक पहुंचने का इतिहास है। द्विवेदी युग में न सिर्फ भाषा की एक रूपता स्थापित हुई बल्कि विषयों का भी विस्तार भी हुआ। द्विवेदी जी साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष मानते थे। सरस्वती 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण का विश्वकोश था। आचार्य द्विवेदी जी ने सन 1908 में प्रकाशित एक पुस्तक है संपत्ति शास्त्र, उसमें भारत के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्रण प्रस्तुत किया। इस पुस्तक में साहित्य में विषयों के विस्तार के साथ ही ज्ञान क्षेत्र का विस्तार हुआ। खड़ी बोली के पाठकों की संख्या बढ़ी जिसे हिंदी को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। द्विवेदी जी के प्रयासों से न सिर्फ भाषा में एक रूपता आई बल्कि विषयों का विस्तार हुआ। भाषा और साहित्य के साथ इन्होंने विज्ञान, दर्शन, समाज आदि विषयों पर कई लेख लिखवाए। देश की पराधीनता, किसानों और मजदूरों की विपन्नता, विधवाओं की दुर्दशा, शोषितों पर होने वाले अत्याचार, महाजन, जमींदार, पुलिस आदि द्वारा होने वाले जो अत्याचार थे वो साहित्यिक विधाओं के विषय बने। खड़ी बोली के विकास में द्विवेदी युग का महत्वपूर्ण योगदान यह भी है कि द्विवेदी जी ने विभिन्न भाषाओं संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला इनसे हिंदी में अनुवाद किए और दूसरे लोगों से करवाए। खड़ी बोली हिंदी में विषयों के विस्तार के साथ शैली की अनेक रूपता का भी विकास हुआ। इस युग में परिमार्जित शैली का विकास हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पहचानते हुए लिखा, ऐसे लोगों की संख्या कुछ बड़ी जिनकी शैली में उनकी निज की शिष्टता रहती थी, जिनकी लिखावट को परखकर लोग ये कह सकते थे कि ये उन्हीं की है। साथ ही वाक्य विन्यास से अधिक सफाई और व्यवस्था आई। विराम चिन्हों का आवश्यक प्रयोग होने लगा। कुछ लेखकों की कृपा से हिंदी की अर्थोद्घाटनी शक्ति की अच्छी वृद्धि और अभिव्यंजन प्रणाली का भी अच्छा प्रसार हुआ। सघन और गुम्फित विचार सूत्रों को व्यक्त करने वाली तथा सूक्ष्म और गूढ़ भावों को जनकारने वाली जो भाषा है वो हिंदी साहित्य को कुछ कुछ प्राप्त होने लगी, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी साहित्य की मुख्य भाषा बनी। द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि खड़ी बोली हिंदी गद्य और पद्य दोनों की भाषा बनी। ये ठीक, भारतेंदु युग में सिर्फ गद्य था, कविता नहीं थी, परंतु साहित्यिक स्तर पर स्वीकृति नहीं। श्रीधर पाठक ने पहले ब्रज भाषा में वो भी कविता लिखते थे, बाद में जब खड़ी बोली का आंदोलन हुआ तो उन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखनी शुरू की और ये माना जाता है कि खड़ी बोली की जो प्रथम कविता है, व्यवस्थित कविता, वो एकांतवासी योगी है जो 1883 में लिखी। इसके बाद उन्होंने खड़ी बोली की परिमार्जित शैली अपनाकर अनेक रचनाएं की। खड़ी बोली के इस आदि कवि की महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। कविता के लिए श्रृंगार, प्रेम और युवा अवस्था की अलहड़ रंगीली कविताओं का बहिष्कार कर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता, समाज सुधार, शिक्षा, नैतिकता, आचरण की मर्यादा आदि विषयों का स्थान देना और साहित्यकारों को प्रोत्साहित करना द्विवेदी जी का लक्ष्य बन गया। अनेक कवियों ने ब्रज भाषा छोड़कर खड़ी बोली अपनाई। द्विवेदी युग की कविता में रीतिवाद का विरोध है, जिसे हम आज रीतिवाद कहते हैं। रीतिकालीन जड़ संस्कारों से द्विवेदी युगीन जो कविता है वो मुक्त हुई। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के पहले कवि तो है ही हैं, जिनमें काव्यगत स्वच्छंदता के दर्शन होते हैं। वो पहले स्वच्छंदतावादी कवि भी हैं। सन 1900 में उन्होंने गुणवंत हेमंत शीर्षक एक कविता लिखी। उन्होंने छंदों को नए सांचे में डाला। द्विवेदी युग में प्रबंध काव्य भी पर्याप्त संख्या में लिखे गए।
पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह ये काव्य प्राय भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। खड़ी बोली को काव्योपयुक्त बनाने में हरिओद का नाम अग्रगण्य। यशोदा का सहृदय संबंध विरह बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य। प्रिय पति वे मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। हरिओद बोल चाल की मुहावरेदार जबान में लिखते थे, चौके चौक दे ऐसा ही संग्रह है। एक रोचक उदाहरण द्रष्टव्य, क्यों पले पीस कर किसी को तू, है पॉलिसी बहुत बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। माधव प्रसाद द्विवेदी हिंदी में कवि रूप में बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन खड़ी बोली में उन्होंने कविता की। द्विवेदी जी बोल चाल की भाषा के हिमायती थे, अतः उनकी कविता की जो भाषा है वो भी गद्य में। मैथिलेश्वर गुप्त द्विवेदी युग में खड़ी बोली के सबसे महत्वपूर्ण कवि, और इनकी कविताओं में खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने में अभूतपूर्व सहायता मिली। और ये जो कार्य है वो मैथिलेश्वर गुप्त का जो काव्य है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से हुआ। उनके द्वारा जो रचित भारत भारती है, उस भारत भारती में युगीन राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई और उसका मूर्त रूप हमें देखने को मिलता है। भारत भारती की पंक्तियां हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को उस समय कंठस्थ थी, लोग गा करके सुनाते थे, स्कूलों में गाया जाता था। भारत भारती युग वाणी का मूर्त रूप है, इसमें भारत के अतीत वर्तमान और भविष्य का चित्र खींचा गया था। और ये पंक्तियां तो लगभग सभी को याद है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मैथिलेश्वर गुप्त ने जयद्रथवध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा जैसे अनेक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों की रचना की। मुक्तक लिखे, गीत लिखे, गेय पद भी लिखे। मेघनाद वध का उन्होंने अनुवाद किया, अतुकांत कविता में किया। इसी तरह राज देवी प्रसाद पूर्ण की एक लंबी कविता है बसंत व्यूह, इसमें भारत भूमि की कल्पना एक उद्यान के रूप में की गई। उसी युग के एक महत्वपूर्ण कवि थे राम नरेश त्रिपाठी, उनकी कविता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, अत्यंत व्यवस्थित है। उनका प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है मिलन, पथिक और स्वप्न। इस युग के दूसरे कवियों में रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न, पंडित नाथुराम शर्मा शंकर, पंडित रूप नारायण पांडे आदि का नाम लिया जा सकता। और राम नरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीतों का संकलन भी किया, वो एक तरह से अब तक हिंदी का सबसे अभूतपूर्व। आधुनिक हिंदी कहानी का विकास का जो प्रारंभ है वो भी भारतीय युग के बाद द्विवेदी युग में हुआ। हिंदी कहानी का विकास सरस्वती पत्रिका से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती, ये सरस्वती में सबसे पहले अंक में सन 1900 में प्रकाशित हुई। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी को लेकर फिर भी थोड़ा सा विवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस संदर्भ में सरस्वती में सन 1900 से लेकर 1907 तक प्रकाशित 6 कहानियों का उल्लेख किया। इनमें इंदुमती के अलावा किशोरीलाल गोस्वामी की दूसरी कहानी गुलबहार, भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल और स्वयं रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, गिरजा दत्त वाजपेयी की पंडित और पंडितानी, और बंग महिला जिसका नाम राजेंद्र बाला घोष है की दुलाई वाली जो 1907 में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में सन 1901 में प्रकाशित माधव राव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, ये भी उल्लेखनीय। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को कुछ विद्वानों ने हिंदी कहानी की यथार्थवादी परंपरा के सूत्रपात का श्रेय दिया। वस्तुतः 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक की कहानियों में चमत्कार की प्रधानता है, रचनात्मक प्रौढ़ता का अभाव भी है, लेकिन आदर्श और बलिदान के आवरण में अब उनके समय की आहट है। पंडित और पंडितानी कहानी के केंद्र में अनमेल विवाह की समस्या है, दुलाई वाली में बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि में स्वदेशी आंदोलन की गूंज है। द्विवेदी युग का जो आरंभिक दशक है इसमें प्रेमचंद धनपत राय के नाम से उर्दू में कहानियां लिखा करते थे, और उर्दू कहानियों का उनका जो पहला संग्रह है वो सोजे वतन प्रकाशित हुआ था, और जिसे कहते हैं कि अंग्रेज कलेक्टर ने जब्त कर लिया। हिंदी कहानी के विकास में इस दृष्टि से दूसरे दशक का अधिक महत्व। आगे चलकर कहानी के जिन दो समानांतर धाराओं, सामाजिक यथार्थवादी और वैयक्तिक भाववादी धारा का विकास हुआ, उसकी शुरुआत यहीं से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रेम को वर्जित क्षेत्र मानकर साहित्य में प्राय नैतिक और सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहन दिया, ऐसा उन पर आरोप लगा था। नीतिगत भेद के कारण सन 1909 में काशी से इंदु पत्रिका का प्रकाशन हुआ,
और इस पत्रिका पर जयशंकर प्रसाद का प्रभाव था। सन 1911 में प्रसाद जी ने की कहानी ग्राम इंदू में प्रकाशित हुई। विश्वंबर नाथ शर्मा कोसी की पहली कहानी रक्षाबंधन वो 1913 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कानों में कंगना, ये 1913 में इंदू में प्रकाशित हुई। सन 1915 हिंदी कहानी के विकास के लिए बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। इस ऐतिहासिक महत्व का कारण यह कि इस समय हिंदी की अत्यंत चर्चित प्रसिद्ध और स्वीकृत कहानी प्रकाशित हुई, वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी उसने कहा था, ये 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। इसी वर्ष प्रेमचंद की भी एक कहानी सरस्वती में प्रकाशित हुई सोत नाम से, और ये यहाँ से हुआ कि प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए। उसने कहा था हिंदी कहानी को आरंभ में ही ऊंचाई पर खड़ा कर दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे अद्वितीय कहानी की संज्ञा दी। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई इस कहानी में निहित त्याग में प्रेम का आदर्श भारतीय संस्कृति की उदात्तता के अनुकूल है। कहानी के नायक लेना सिंह ने प्रेम और कर्तव्य बोध के कारण जान की बाजी लगा दी। हिंदी कहानी में शिल्प की दृष्टि से पहली बार इस कहानी में फ्लैशबैक का प्रौढ़ कुशल प्रयोग हुआ। मधुरेश के अनुसार उसने कहा था हिंदी की पहली कहानी है जिसने शिल्प विधान की दृष्टि से हिंदी कहानी को एक झटके में प्रौढ़ बना दिया। तो ये इस दृष्टि से ये दौर बहुत महत्वपूर्ण है। गुलेरी जी ने हालांकि दो और भी कहानियां लिखी, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। हालांकि जो प्रसिद्धि उसने कहा था को मिली थी वो प्रसिद्धि इन दोनों कहानियों को नहीं मिली। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी माँ वैधव्य और मातृत्व की को संवेदनशीलता के साथ व्यक्त करती है। हिंदी कहानी को आरंभिक काल में प्रेमचंद के रूप में एक बहुमूल्य रत्न मिला। सन 1916 में सरस्वती में प्रकाशित प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर को अभूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त हुई। इसमें ग्रामीण जीवन की सहृदयता और कायापन व्यक्त हुआ। इसमें शिल्पगत नवीनता उतनी नहीं है लेकिन मनोवैज्ञानिक जानकारियों का पुट है। हिंदी उपन्यास की शुरुआत हालांकि भारतीय युग में हो गई थी किंतु उसकी जो अविच्छिन्न परंपरा है वो द्वितीय युग से आरंभ हुई। द्वितीय युग के उपन्यासों में मध्यकालीन कथाओं का प्रभाव ज्यादा है। इस काल में मौलिक उपन्यासों की रचना भारतीय युग के तर्ज पर ही हुई थी, उसी तरह के लिखे गए। मौलिक उपन्यासों के अतिरिक्त द्वितीय युग में दूसरी भाषाओं के उपन्यासों का बहुत अनुवाद हुआ। शरद चंद्र के उपन्यास हिंदी पाठकों में बहुत लोकप्रिय हुए थे। बंगला, उर्दू और मराठी के साथ अंग्रेजी के कई उपन्यासों के अनुवाद भी हुए। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी और गोपाल राम ग्रहमरी द्वितीय युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यासकार। गोस्वामी जी 19वीं सदी के अंतिम दशक से ही उपन्यास लिखते रहे थे। इनके उपन्यास में यौन भावना की प्रधानता, इसमें वासना के चटकीले रंग के साथ कुछ सामाजिक पाखंड का भी उद्घाटन है। इनकी भाषा सहज है लेकिन ऐतिहासिक उपन्यासों में कभी कभी काल दोष भी दिखाई देता। गोपाल राम ग्रहमरी ने जासूसी उपन्यास लिखे। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और लज्जाराम मेहता ने भी कुछ उपन्यास लिखे। किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने उपन्यासों के प्रकाशन के लिए सन 1898 में उपन्यास नामक एक मासिक पत्र भी निकालना शुरू कर दिया था। द्वितीय युग में ही प्रेमचंद भी उर्दू से हिंदी में आए। हालांकि उन्होंने उर्दू में भी उपन्यास लिखे थे, बहुत प्रसिद्ध हुए थे, लेकिन प्रेमचंद की जो प्रसिद्धि है वो उनके हिंदी में आने के बाद भी। सेवा सदन जब 1916 में प्रकाशित हुआ उसके बाद प्रेमचंद एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार के रूप में हमारे सामने आए और उस उपन्यास की समीक्षा छपी। स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सेवा सदन की और प्रेमाश्रम की चर्चा की। हालांकि प्रेमाश्रम का नाम उन्होंने प्रेमाश्रम नहीं लिखे, कुछ और लिखा, तो प्रेमाश्रम का भी अनुवाद हुआ। और हालांकि ये दोनों उपन्यास पहले उर्दू में लिखे गए थे और बाद में स्वयं प्रेमचंद ने इनका हिंदी में अनुवाद किया और ये रचना हमारे सामने हिंदी में आई। जब ये हिंदी में आई तो ये अनुदित रचना के रूप में नहीं आई थी बल्कि मौलिक रचना के रूप में आई थी। और प्रेमचंद हिंदी और उर्दू दोनों के रचनाकार हैं। और जो भारतेंदु जो द्वितीय युग की जो मानसिकता है वो हमको इन दोनों उपन्यासों में मिलती है। द्वितीय युग की मुख्य मानसिकता जो मानी जाती है वो एक भाई समाज सुधार का भाव, भाई सबका ही सुधार होना चाहिए। उसके बाद में नाटक, नाटक की जो विधा है वो भारतेंदु युग में बहुत ही प्रभावशाली थी लेकिन ये जो परंपरा है वो उतने ढंग से द्वितीय युग में आगे विकसित नहीं हुई। भारतेंदु युग में नाटकों की दृष्टि से जितना समृद्ध है द्वितीय युग शायद उतना समृद्ध नहीं। द्वितीय युग में मौलिक नाटकों का लगभग अभाव पाया जाता है।
इस युग के नाटक संख्या की दृष्टि से ही नहीं, महत्व की दृष्टि से भी बहुत ही कमजोर हैं। अगर जयशंकर प्रसाद को यहाँ से की शुरुआत अगर यहाँ से न माने जाए, द्वैधी युग के जो मौलिक नाटककार थे उनमें किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम, शिव नंदन साय, राय देवी प्रसाद पूर्ण, इनका नाम उल्लेखनीय है। लेकिन ये मूलतः नाटककार नहीं थे, कुछ और गद्य रचनाएं लिखते थे, दूसरी विधाओं के बड़े महत्वपूर्ण ख्याति प्राप्त थे। लेकिन उन्होंने कहा चलो हम एक नाटक लिखते, इस भाव से नाटक लिखा। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित नाटक चौपट चपेट एक प्रहसन है। गोस्वामी द्वारा रचित जो नाटक है मयंक मंजरी, ये एक सामान्य कोटि का नायक है। हरिओध ने भी रुक्मणी परिणय और प्रद्युमन विजय व्यायोग नामक एक नाटक लिखा, लेकिन वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नाटक नहीं था। विभिन्न भाषाओं से हिंदी में नाटकों में अनुवाद द्वैधी युग में काफी बड़े पैमाने पर हुआ। संस्कृत से अनुवाद हुआ, बंगला से अनुवाद हुआ, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हुआ। शेक्सपियर का जो नाटक है रोमियो जूलियट, मैकबेथ, हेमलेट का हिंदी में अनुवाद हुआ। संस्कृत के मृत्स्कटिकम, उत्तर रामचरितम, मालती माधव, मालविकाग्निमित्र, इनका भी हिंदी में अनुवाद हुआ। लेकिन जो जयशंकर प्रसाद जिनसे नाटकों की शुरुआत मानी जाती है, उन जो हिंदी के बड़े महत्वपूर्ण नाटककार है उनका प्रारंभ, उनके लेखन का प्रारंभ द्वैधी युग में हो गया था। हालांकि इनकी जो चेतना थी प्रसाद जी की वो द्वैधी युग की मानसिकता से मुक्त थी, लेकिन उनके लेखन का प्रारंभ वहीं से हुआ। और एक तरह से कहना चाहिए कि उस द्वैधी युग के वातावरण के विरोध में उनका चिंतन विकसित होता रहा। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ समर्थन का साहित्य आपका नहीं होता, विरोध का साहित्य भी आपका ही होता है। जो आपका विरोधी होता है वो भी आप ही का होता है, और आपके जो समर्थक होते हैं वो भी आप ही के होते हैं। ये तो ये जो छायावाद विकसित हुआ, जिसको बाद में जाकर के वो द्वैधी युग की प्रतिक्रिया के अंतर्गत जो माना गया, उसके जो बीज है वो भी हमको इस द्वैधी युग में माने जाते हैं। इसलिए प्रसाद को भी हम द्वैधी युग का के नाटककार के रूप में मान सकते हैं। इसके अलावा द्वैधी युग की जो अत्यंत महत्वपूर्ण गद्य विधा थी वो निबंध थी, और सरस्वती का संपादकीय था। जब भी सरस्वती पत्रिका आती थी तो सब लोग सबसे पहले संपादकीय पढ़ते थे, और संपादकीय विशेषता थी कि वो पाठकों की जानकारी देने के लिए अनेक विषयों पर लेख लिख करके और लिखवा कर प्रकाशित करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि किसी और पत्रिका में कोई लेख छपा और द्वैधी जी ने उसका सार संक्षेप दे दिया कि फला पत्रिका में मैंने ये निबंध पढ़ा है और इसके ये विचार है, तो आप अपना पढ़िए, जिनको भी मन हो आप उसमें जाइए। मराठी में ये छपा है, बंगला में ये छपा है, अंग्रेजी में ये छपा है। तो एक तरह से पाठकों की जो वैचारिकता है उस वैचारिकता का विकास करने में भारत प्रसाद द्वैधी की बड़ी भूमिका, और इसीलिए विविध विषयों पर गंभीर लेख उन्होंने उस समय लिखा है। और वैचारिकता चूंकि निबंध का विषय है और निबंध में जो गंभीर लेखों का है तो ये उनमें मिलता है। जीवंतता और शैली का जो अनूठापन है वो भी कई बार दृष्टिगोचर होता है। लेकिन आमतौर से द्वैधी युग का जो लेखन है वो शिक्षाप्रद है। जो मौज मस्ती, जो खिलंदड़ापन भारतेंदु युग में था वो शायद इस काल में थोड़ा सा बंद हो गया, क्योंकि द्वैधी जी का जो नैतिकता का मानदंड था वो उसे सीमित करता था। द्वैधी युग में गंभीर और ललित दोनों प्रकार के निबंध लिखे गए, लेकिन विचार परक जो निबंध थे वो अधिक महत्वपूर्ण। अंग्रेजी के लेखक बेकन के निबंधों का अनुवाद हिंदी में बेकन विचार रत्नावली के नाम से स्वयं द्वैधी जी ने किया था, और बेकन अपने ढंग से अंग्रेजी के बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार है। द्वैधी जी के निबंधों का जो तेवर है वो नियामक और व्यवस्थापक का, वो सबको ठीक करो भाई, ऐसा 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 लिखो, चाहे वो कवि और कविता पर लिख रहे हों या क्या, हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं। तो ये जो विषय है वो एक भाई आपको इस तरह से सोचना चाहिए, आपको इस तरह से लिखना चाहिए, ये जो अनुशासन है वो द्वैधी जी के निबंधों में मिलता है। द्वैधी जी के निबंधों में कलात्मकता उतनी नहीं मिलती जितनी बात समझा कर कहने की प्रवृत्ति मिलती, आपको समझ वाइक नहीं आई। तो एक तरह का जिसे कहना चाहिए अध्याप की आलोचना, वो हिंदी के सबसे पुराने अध्यापक उनको माने जाए, वस्तुतः द्वैधी जी का उद्देश्य था विविध विषयों के ज्ञान को समेट कर हिंदी भाषा के जो पाठक है हिंदी पाठकों को पहुँचा दे, ताकि जिनको हिंदी आती है वो ये न कहे कि हमको ये विषय नहीं पता। निबंधों के माध्यम से द्वैधी जी हिंदी साहित्य को ज्ञान समृद्ध करके युगीन आवश्यकताओं की जो पूर्ति है उसकी दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। उस समय के जो एक लेखक है बाल मुकुंद गुप्त,
उन्होंने भी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर कई व्यंग्यात्मक निबंध लिखे और जिसमें शिव शंभु के चिट्ठी अत्यंत लोकप्रिय हुआ, बहुत चर्चित हुआ। इसकी भाषा शैली बड़ी ओजपूर्ण, तीखी, चुटीली, व्यंगपूर्ण और प्रभावपूर्ण है। क्या शैली उनकी, और ये जो शैली है और वो भारतीय भारतेंदुगीत जो लेखक है उनकी शैली के निकट है। श्याम सुंदर दास ने प्राय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए निबंध लिखे, स्कूल के पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते इनके निबंध उस समय की बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंधों में प्राचीनता और नवीनता का संगम दृष्टिगोचर होता है। इनका दृष्टिकोण मूलतः समाजशास्त्रीय। इनके निबंधों में प्रसंग गर्भत्व के साथ व्यंग्य विनोद का रंग भी है। कछुआ धर्म, मारे सी मोई कुठाव इनके बहुत प्रसिद्ध निबंध है और उस समय का एक बहुत विवाद का विषय था जो द्वैती युग में बहुत चला था, वो था सनातन धर्म और आर्य समाज का विवाद कि आर्य समाज की पद्धति श्रेष्ठ है या सनातन धर्म की पद्धति श्रेष्ठ है। दोनों एक दूसरे पर बहुत तीखा व्यंग करते थे। आज दोनों में समन्वय हमको दिखाई देता है, लेकिन उस समय इनके बीच में बहुत झगड़ा, बहुत बहस होती थी और ये जो बहस है सार्वजनिक मंचों पर भी होती थी, लेखन में भी आई और लेखन में हमको ये गूंज इनके पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंधों में हमको देखने को मिलती। इसी तरह सरदार पूरन सिंह थे। इस सरदार पूरन सिंह के निबंधों में विचारों और भावों को एक अनोखे ढंग से मिश्रित करने वाली एक नई शैली विकसित की। इनके निबंधों में आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता ये बहुत उल्लेखनीय, मजदूरी और प्रेम में व्यक्त श्रम का सौंदर्य आधुनिक सौंदर्य बोध का द्योतक है। इसी तरह निबंधकारों में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हालांकि बाद के आलोचक माने जाते हैं, लेकिन शुक्ल जी के जो निबंध हैं वो निबंध द्वैती युग में लिखे गए, सरस्वती पत्रिका में छपे 1909 के बाद से, तो ये बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का उच्चतर विकास द्वैती युग के बाद हुआ, लेकिन उनके अनेक महत्वपूर्ण निबंधों का रचनाकार द्वैती युग। शुक्ल जी का अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध है कविता क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको उन्होंने बहुत बार सुधार, पहले पहल जो इसका पाठ है वो 1909 में प्रकाशित हुआ, उसके बाद में उनको और भी लिखे। शुक्ल जी के दूसरे मनोवैज्ञानिक निबंध जैसे श्रद्धा भक्ति, करुणा, लोभ और प्रीति ये सन 1912 से 1920 के बीच नागरी प्रचारणी सभा की पत्रिका से प्रकाशित हुए। तो द्वैती ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध है, जो भाव और मनोविकार संबंधी निबंध है, जिनको आमतौर से हम मानते हैं कि ये ललित निबंधों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये निबंध एक तरफ तो ललित श्रेणी के निबंधों में आते हैं, दूसरी तरफ ये काव्य शास्त्री निबंध है। ये साहित्य के स्थायी भावों की विशेषताएं बताते हैं। करुणा होती क्या है, लोभ और प्रीति में कितना फर्क है, कब लोभ प्रीति में बदल जाता है और कब जो है वो पीछे रह जाता है, कब श्रद्धा भक्ति में बदल जाती है और कब श्रद्धा प्रेम में रह जाती है। तो प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, लोभ ये एक ही भाव है जो किस तरह उत्तरोत्तर विकसित होता है। इन भावों के स्वरूप को समझाने वाले कोई भी निबंध, कोई भी लेख हिंदी में उस समय उपलब्ध नहीं था। यहाँ तक कि कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में भी इनका स्वरूप विवेचन नहीं हुआ। ये कहते थे कि ये करुणा का काव्य, लेकिन करुणा होती क्या, करुणा कब होती, और इसलिए सब के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों बताया। और उसमें भी आप बाद में देखेंगे कि स्वाधीनता आंदोलन की और राष्ट्र प्रेम की आपको झांकी देखने को मिलती है। द्वैती युग में वर्णनात्मक निबंध लिखे गए, भावात्मक निबंध लिखे गए, विवरणात्मक निबंध लिखे गए, कथात्मक निबंध लिखे गए, सभी शैलियों में निबंध लिखे गए। इसमें संदेह नहीं कि आधुनिक युग की नवीन चेतना विचारात्मक के रूप में हिंदी साहित्य में निबंधों के माध्यम से न केवल प्रविष्ट हुई बल्कि उसने हिंदी साहित्य की वैचारिकता को समृद्ध भी किया और इसे हिंदी जाति की के लोगों की चेतना का विस्तार भी किया। इस दृष्टि से द्वैती युगीन निबंध साहित्य का ऐतिहासिक योगदान है। और अगर ये आचार्य हजारी प्रसाद द्वैती के निबंधों को अगर तुलना करके देखें तो एक तरह थे द्वैती युग और शुक्ल युग, तो ये हिंदी निबंधों के इतिहास में दो ही महत्वपूर्ण काल माने जाते हैं और इस कालों में एक काल इन द्वैती युग का माना जाता है। युगीन वैचारिकता के दबाव से हिंदी में न सिर्फ निबंध साहित्य समृद्ध हुआ बल्कि आलोचना के क्षेत्र भी बहुत मजबूत हुआ, आलोचना भी विकसित हुई। द्वैती युगीन आलोचना में रीतिवादी और आधुनिक प्रवृत्तियों का द्वंद, कुछ कहते थे रीतिकाल बहुत अच्छा है, वो कवि बहुत अच्छे हैं, देव बड़े बिहारी, ये बहुत महत्वपूर्ण, सबसे पहले ये तय होना चाहिए, लेकिन ये विवाद चला।
शास्त्रीय आलोचना रीतिवादी पैमानों पर और नायिका भेद अलंकार आदि के दृश्य साहित्य की परख करती थी। रीति विरोधी आलोचना ज्ञान विज्ञान के आलोक में विकसित नए मूल्यों के मानदंड पर साहित्य का मूल्यांकन करती थी। भावेश प्रसाद द्विवेदी ने अपनी आलोचना से हिंदी रचनाकारों को नवीन युग के युगा अनुरूप वस्तु और रूप के प्रयोग की प्रेरणा दी। उन्होंने साहित्य मुख्यतः कविता को युगानुरूप स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने कविता को केवल विलास की सामग्री नहीं माना। उन्होंने कहा, कविता यदि यथार्थ में कविता है तो संभव नहीं कि उसे सुनकर कुछ असर न पड़े। उन्होंने बुरे साहित्य के नुकसान भी बताए। अगर कविता अच्छी है तो उसका फल अच्छा होगा, और कविता अगर बुरी है तो उसका फल बुरा होगा। कविता का रूप पक्ष और भाव पक्ष के संबंध में भी द्विवेदी जी की दृष्टि आधुनिक थी। उन्होंने तुक और अनुप्रास को कविता के लिए अनिवार्य नहीं माना, जो पहले बहुत अनिवार्य था। उनके अनुसार कविता गद्य और पद्य दोनों में हो सकती। ये अपने आप में बहुत क्रांतिकारी विचार था। रीतिवादी साहित्य का विरोध करने के लिए उन्होंने नायिका भेद अलंकार और ब्रज भाषा में काव्य रचना कथक का विरोध किया। उन्होंने साहित्य के लिए सामाजिक हित यथा चित्रण प्रकृति चित्रण और मानव मनोविज्ञान को उचित विषय बनाया। आप इस विषय पर कविता लिखो। हिंदी साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचक माने जाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विचारात्मक लेखन की शुरुआत द्विवेदी युग में की थी। उनका साहित्य शीर्षक अनुदित निबंध सन 1904 में सरस्वती में छपा, किंतु उनके आलोचनात्मक निबंध बाद में प्रकाशित हुए। पुस्तक समीक्षा का जो सूत्रपात है ये भारतीय युग में हो चुका था। किसी एक ही रचनाकार का गुण दोष दिखाने के लिए हिंदी आलोचना की जो पहली पुस्तक है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी कालिदास की आलोचना। द्विवेदी जी ने कालिदास की निरंकुशता पर भी गंभीर विचार किया। द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना के सामान्यतः 5 रूप मिलते हैं। शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, अनुसंधान पर आलोचना, परिचयात्मक आलोचना, तर्क तथा व्याख्यात्मक आलोचना। मिश्र बंधुओं ने श्रृंगारी कवि देव को बहुत ऊंचा प्रदान किया था। हिंदी नवरत्नों में सूर तुलसी के समकक्ष अगर कोई कवि था तो वो देव था। तो श्रीधर पाठक को खड़ी बोली की नूतन स्वच्छंद कविताओं का स्वागत भी किया। तुलनात्मक आलोचना का रोचक रूप द्विवेदी युग में दिखाई देता है। मिश्र बंधुओं के जवाब में लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर बिहारी को देव से बड़ा कवि सिद्ध किया। इस विवाद में पद्म सिंह शर्मा ने भी हिस्सा लेकर अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर तुलनात्मक आलोचना को ऊंचाई प्रदान की। माने देव बड़ा या बिहारी, तो बिहारी की कमियां बताओ। कुछ लोग देव की कमियां बताते, जो गुण इसमें थे वो इसमें दोष बताए गए। तो बड़ा एक मनोरंजक विवाद का वातावरण हुआ और उससे आलोचना पढ़ने की लोगों में रुचि जागृत हुई। इसी तरह से अनुसंधान परक आलोचना भी जो है प्रकाशित होती थी नागरी पत्रिका में, और ये 1897 से प्रकाशित हुई। कुछ परिचयात्मक आलोचना भी सरस्वती में प्रकाशित होती थी, जिसे द्विवेदी जी स्वयं लिखते थे। उनके पास कोई किताब आती थी तो किसी किताब को पढ़ करके और वो कह देते हैं ये किताब पढ़ने लायक है या नहीं। रीतिवादी जो आलोचक थे वो खड़ी बोली में रचित कविताओं को व्यर्थ और नीरस कहते थे। लाला भगवान दीन को भारत भारती और जयद्रथवध दोषपूर्ण लगे, कहे बहुत ही खराब दोनों किताबें। पद्म सिंह शर्मा भी खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्ण कटु कहते थे, कानों को। द्विवेदी युग में परिवर्तन ऐसा हुआ कि ब्रज भाषा के साथ भाषा शब्द जुड़ा, लेकिन वे बोली बन गई, जबकि खड़ी बोली जिसके साथ बोली लगा वे भाषा बन गई। ये द्विवेदी युग में खड़ी बोली को हिंदी का पर्याय माना जाता। इस तरह खड़ी बोली हिंदी के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके युग का अप्रतिम योगदान है। सरस्वती के संपादक के रूप में और स्वयं व्यक्तिगत रूप में भी उन्होंने हिंदी की सभी विधाओं का विकास किया और हिंदी साहित्य को एक समृद्ध भूमिका प्रदान की।